on which factor basicity of amines depend in gas phase or in non-aqueous solution? Non-aqueous solvent. तो aqueous solvent क्या होते हैं? Aqueous meaning having हम बोलते थे polar nature जिनका हो, तो किस फैक्टर्स पे जो बेसिसिटी है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेसिसिटी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो बेसिक होता है, तो किस फैक्टर बेसिसिटी डिपेंड करती है? देखो, जब भी गैस फेज के अंदर कोई भी चीज़ होगी, इन गैस फेज और इन नॉन एक्वस फेज, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर Cl, जो सोल्वेशन इफेक्ट है किसका? स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट एसिड, किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, क्योंकि वो कोई चीज़ कब भूलेगी? जो सोल्वेशन इफेक्ट होगा किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट एसिड। अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसे पॉजिटिव चार्ज आता है, देखो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेगी? वो अच्छा क्या है? बेस है। अगर वो स्टेबल होगा तो, अब स्टेबल कैसे होगा? कंजुगेट एसिड, बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बनाता है? कंजुगेट एसिड, और एसिड हमेशा एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है? कंजुगेट बेस। कंजुगेट क्या बनाता है? बेस बनाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? जब भी कंजुगेट एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर एब्सेंट एंड दिस मीडिया बेसिटी डिपेंड अपॉन किस पे? प्लस आई फैक्टर, क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली, एब्सेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दिस मीडिया बेसिसिटी ऑफ अमाइन डिपेंड्स अपॉन द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। कि भाई एल्काइल ग्रुप होगा तो अब प्लस चार्ज आया है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे अब प्लस चार्ज आएगा, अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उस अमाइन पे तो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगी, एल्काइल ग्रुप मतलब कि यहाँ पे मान लो अमाइन है, यहाँ पे जितने ज़्यादा आर ग्रुप जुड़े हुए हैं उतने इसको क्या डोनेट करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, उतना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टर्शियरी ज़्यादा अच्छा बेस होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। ये था इसका रीज़न। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, प्रिडिक्ट गिविंग रीजन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन एक्वस फेस एंड इन गैसियस फेस। पहला है इन गैसियस फेस, पहला हमारा जो ऑप्शन है, देखो इन गैसियस फेस द बेसिसिटी ऑफ अमाइन डिपेंड्स ओनली ऑन द प्लस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि गैसियस के अंदर तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, क्योंकि कोई पानी नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं? एल्काइल ग्रुप। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसकी बेसिटी होगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है कंजुगेट एसिड का। तो हमेशा एक्वस फेस के अंदर टर्शरी क्या रहेगा हमारा? ज़्यादा स्टेबल। तो टर्शरी अमाइन क्या होगा? ज़्यादा बेसिक होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ओवरऑल बेसिसिटी किसकी हो जाएगी? सेकेंडरी टर्शरी देन प्राइमरी, फिर सिंपल अमोनिया की। लेकिन एक्वस की अगर हम बात करें तो एक्वस के अंदर क्या रहेगा? प्लस आई इफेक्ट तो रहेगा, प्लस आई के अकॉर्डिंग तो यही ऑर्डर रहेगा, लेकिन वहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ जाएगा? सोल्वेशन इफेक्ट भी आ जाएगा। सोल्वेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा? जो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्वेशन इफेक्ट द ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन नाइट्रोजन एटम। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम किसके पास होगी? नाइट्रोजन एटम के पास होगी, उतना ज़्यादा अमोनियम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मान लो एक तो अमोनिया है ये CH3NH और H, ठीक है, एक अमोनिया की यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है, तो इस पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये? आंसर है ना, नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके पास होएगी, क्या होएगी? हाइड्रोजन होएगी तो बॉन्डिंग कर लेगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग कर ली, बॉन्डिंग कर ली। लेकिन अगर नहीं होएगी तो बॉन्डिंग नहीं करेगा। जितने ज़्यादा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होएगे उतनी ज़्यादा वो क्या कर लेगा? बॉन्डिंग कर लेगा पानी के साथ। तो अमोनियम का टाइम क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेन का सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, है ना, सेकेंडरी का कम होगा, टर्शियरी का सबसे कम होगा। तो इसके अंदर ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो गया कि प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, ये ऑर्डर हो गया ना, प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन फिर टर्शियरी, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर तो बिल्कुल क्या हो गया? अपोजिट हो गया, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर कुछ और था, इसके अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर कुछ और है। तो जो कंबाइन इफेक्ट है दोनों का, हम दोनों को इफेक्ट को दोनों को मान के चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है किसका? इन दो पॉजिटिव अपोजिट फैक्टर ए और बी का। तो हम बोलते हैं दोनों का अपोजिट फैक्टर में बीच में कौन है? सेकेंडरी आ रहा है ना, तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर सिंपल अमोनिया। तो ये क्या है? नेट इफेक्ट है एक्वस के अंदर, दोनों का मिला के नेट इफेक्ट ये आता है, पहले सेकेंडरी फिर
प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर सिंपल अमोनिया. तो इसको आप ऐसे लिख के आओगे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी 213, ये ऑर्डर रहता है इसका, उसके बाद सिंपल अमोनिया. तो ये कंबाइन इफेक्ट किससे मिलके बना, आई इफेक्ट से एंड सोल्वेशन इफेक्ट को देखिए. आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या था ऑर्डर, 3 2 1, और सोल्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, 1 2 3. तो कौन ज़्यादा है, तो सबसे भी तो कौन होगा सेकंड, दोनों का जोन सा इफेक्ट ज़्यादा कैरी कर रहा है. उसके बाद ज़्यादा सोल्वेशन वाला रहता है स्ट्रॉन्ग, तो फिर प्राइमरी और फिर तो 213 हमारा लास्ट आता है, दोनों को कंबाइन करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. सोल्वेशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. तो आपकी रिएक्शन है इसके अंदर एसिटाइलेशन, पहली रिएक्शन जो है ये एसिटाइलेशन और एसिटाइलेशन. देखो एसिटाइलेशन क्या होता है, जो एलिफैटिक जो लीनियर है और जो एरोमेटिक क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है, किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड से, एनहाइड्रस एस्टर से और इन सब से. क्या बनाते हैं फिर ये, तो ये एनहाइड्रस एस्टर से किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. और ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन. एसाइलेशन को बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 और NH ग्रुप बाय द एसाइल ग्रुप. एसाइल ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड ओ आर, उसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप. क्या होता है, सी ओ आर लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन इसकी बॉन्डिंग क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप. कि एसाइल ग्रुप पाएगा, जैसे देख रहे हो ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा क्या है, एसाइल ग्रुप है. अब नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन एटम की, मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम छोड़ देगा, ये हाइड्रोजन एटम छोड़ देगा तो HCl बाहर निकल जाएगा. इसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया इस ग्रुप से, सी डबल बॉन्ड CH3 से. अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आगे समझ में एसाइल ग्रुप कैसे, एसाइल ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड R, उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप. तो यहाँ पे आप नीचे वाली रिएक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो, हमने इथेनोइक एनहाइड्राइड लिया है. क्या लिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड. तो एक एच इसका देखो, ये वाला एच और ये वाले CH3COOH, एच के साथ में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और ये वाली चीज़ से आके जुड़ जाएगी. तो हुआ क्या, यहाँ पे इसका तो एच गया, इसका एच किसके साथ जाएगा, यहाँ पे कार्बन सीमेंट सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो CH3CO नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को लेके ये बाहर एसिटिक एसिड बाहर, CH3COH इथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं. और हमारे पास क्या बन गया, हमारा एसआई ग्रुप बन गया, जो ये इसके अंदर आ गया ना सी डबल बॉन्ड CH3, सी डबल बॉन्ड CH3 वाला ग्रुप यहाँ पे आ गया. अब देखो इसका नाम क्या पड़ा, एन फिनाइल इथेन अमाइड. एन फिनाइल इथेन अमाइड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अब ध्यान देखो नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, तो क्या नाम पड़ा, एन फिनाइल. और इथेन मतलब दो कार्बन है और सी डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप, तो क्या नाम पड़ा, एन फिनाइल इथेन अमाइड. एन फिनाइल इथेन अमाइड इसका नाम पड़ गया. लिए हमने क्या था स्टार्टिंग में, एनी ली. देखो ब्रोमिनेशन के अंदर क्या होगा, सिंपल हम ब्रोमिन का ऐड करें एनिलीन पे, और हम जानते हैं कि प्लस आर इफेक्ट शो करता है एनिलीन, है ना. तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आता है प्लस आर इफेक्ट, तो प्लस चार्ज आता है, तो ब्रोमिन सिर्फ यहीं पे एक्ट करेगा 2,4,6 पोजीशन पे, 2,4-triBromo एनिलीन. नेक्स्ट हमारा क्या है, इस पे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कर रहे हैं हम. नाइट्रेशन कैरी आउट करने के लिए क्या होगा, ये ब्रोमिनेशन का स्टेप है, जो ये रिएक्शन ना ब्रोमिनेशन के, क्योंकि पिरिडिन से रिएक्ट करा दिया. पिरिडिन जो होता है वो होता है CH3 ऐसे होता है, ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एक ओ, और जो ये CH3 डबल बॉन्ड ओ दो बार है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको बोलते हैं पिरिडिन. तो सी डबल बॉन्ड ओ CH3 दो बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ 2 times और एक ऑक्सीजन से दोनों अटैच्ड है. हो गया ये पॉइंट क्लियर. अभी किसी रिएक्ट कर हम इसे किसी रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी. और एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा बाहर, मतलब एसिटिक एसिड से अब दोबारा रिएक्ट करवाएंगे, तो ये वाला ग्रुप एसिटिक एसिड से भी रिएक्ट कर देगा, साथ में इसकी प्रेजेंस में ब्रोमीन पैरा पर जाकर जुड़ जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी. नाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप जाकर ऐड होगा, लेकिन NO2 ग्रुप के अंदर ये पहले हो चुका है आपका कि इससे तो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा. और यहाँ पे आता तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें से दोनों पर जाकर जुड़ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है एनिलीन के बाद, गुड इवनिंग, एनिलीन हो गया.
ठीक है, एनिलिन के बाद पिरिडिन सिलेक्ट कर रहा है, पिरिडिन सिलेक्ट कर क्या बनाएगा, एसिटा एनिलिन। अब ये क्या है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू सी एच, मतलब हम इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, यही कर रहे हैं, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका इथेनॉल में से क्या होगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला एच टू मतलब बाहर चला जाएगा, एच टू बाहर हो जाएगा और ये नाइट्रोजन इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, इथाइलिडिन इथाइल अमाइन। उसका तुमने करवाया एच एन ओ टू, एच एन ओ टू जिसको हम एच एन ओ लिख लेते हैं लिखने में, बट है क्या, नाइट्रस एसिड है, क्या ये नाइट्रस एसिड, ये तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, एन टू बाहर हो जाएगा और साथ में पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसको हम सी एस टू से रिएक्शन करवाएंगे, सी एस टू के अंदर वो सेम प्रोसीजर चलेगा कि सी एस सी एस टू नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन कार्बन से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और सल्फाइड से ये चीज़ बन जाएगी, हाँ क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, ये सोचो तो कार्बन के दो बॉन्ड इधर दो बॉन्ड इधर हो गए, कार्बन चार बॉन्ड, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड इधर दो बॉन्ड इधर, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, के टू सी आर टू ओ सेवन। अब के टू सी आर टू ओ सेवन बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत बार आ भी जाता है कि हम बेंजो क्यूनिन कैसे बना सकते हैं, क्यूनॉन, के टू सी आर टू ओ सेवन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें आप क्या डाल दो, एच टू एस ओ फोर डाल दो, थोड़ा सा डालना होता है ये, तो एनिलिन से क्या बना दोगे, पैरा बेंजो क्यूनॉन। अब एनिलिन में जो आप क्लोरोफॉर्म डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक के ओ एच, अल्कोहलिक के ओ एच, तो यहाँ पे एलिमिनेशन भी होएगा किसका, एन हाइड्रोजन छोड़ के चले जाएंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, और इस एरो का मतलब क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एरो का मतलब क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, पोटेशियम क्लोराइड और पानी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब एनिलिन की ब्रोमिन से रिएक्शन कराओगे तो सिंपल 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन और थोर पैरापोजिशन पेनिलिन आ जाएगा। एनिलिन की एसिड एनहाइड्राइड से कराओगे तो अभी जो हमने पढ़ी थी एसाइल रिएक्शन, यही पढ़ी थी, एसाइल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, सी सी एस एच एन एस सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री और एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इनसे इसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी।